हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हायर बोरियन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि हायर बोरियन क्या होता है, इसके टाइप्स, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड बेसिक प्रॉपर्टीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा जिसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो ये पर्टिकुलर टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिलेटेड बीएससी एंड एमएससी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हायर बोरियन क्या होता है? ऑल्दो बोरोन डज नॉट कंबाइन डायरेक्टली विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स, येट अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन आर नोन। दिस हाइड्राइड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड एंड आर कॉल्ड बोरेन्स बाय एनालॉजी विद एल्किन्स एंड दिस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, सो बेसिकली जो बोरोन होता है वो डायरेक्टली जो है हाइड्रोजन से कंबाइंड होकर हाइड्राइड्स नहीं बनाता है, फिर भी जो बोरोन है उसके बहुत सारे हाइड्राइड्स जो है हमको पता है। और ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, जो बोरोन के जो हाइड्राइड्स हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जिनको हम बोरेन्स कहते हैं। ठीक है, सो बोरेन्स क्या होते हैं? हायर बोरिन या बोरेन सेम होता है। अगर आपके एग्जाम में आता है हायर बोरेन क्या है तो भी आप ये कॉन्सेप्ट लिखेंगे, बोरेन क्या है तो भी यही है। ठीक है, सो बेसिकली बोरेन क्या होगा, एक प्रकार के कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जो बोरोन के ही हाइड्राइड्स होते हैं, जो जो है एल्केन से जो है ये समानता प्रदर्शित करते हैं। एंड ये जो कंपाउंड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, हायर बोरेन। और ये मेनली जो है दो प्रकार के होते हैं, बोरेन ऑफ BnHn+4 टाइप्स एंड बोरेन ऑफ BnHn+6 टाइप। ठीक है, ये क्या है, देखिए बोरेन ऑफ BnHn+4 टाइप में क्या है, यहां पे जो n है, ठीक है, इस n के जगह आप 2, 4, 6, 8, 10 and 18, ठीक है, ये अप्लाई कर सकते हैं, इसके जगह ले सकते हैं। एंड दिस आर क्वाइट स्टेबल एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बोरेन ऑफ BnHn+4 टाइप में क्या क्या इसका एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम यहाँ पे दो लेते हैं, ठीक है, एन के जगह दो लेते हैं, तो यहाँ पे दो आएगा, यहाँ पे दो आएगा, और ये प्लस फोर सिक्स, तो B2S6 डाइबोरेन हमको प्राप्त होगा। ठीक है, डाइबोरेन, तो इसके अंतर्गत जो है आपका डाइबोरेन, पेंटाबोरेन, हेक्साबोरेन, ऑक्टाबोरेन एंड डिकाबोरेन। ठीक है, इतने जो है डिकाबोरेन, इतने जो है एग्जाम्पल्स हैं आपके बोरेन बोरेन ऑफ BnHn+4 टाइप्स में। ठीक है, और ये जो है स्टेबल होते हैं और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो सेकंड टाइप है BnHn+6, बस ये वहां पे 4 है, यहां पे 6 है, और इस n के जगह आपको 4, 5, 6, 9 and 10, ये जो है आप इसके जगह रख सकते हैं। दिस बोरेन आर अनस्टेबल। ठीक है, ये जो BnHn+4 टाइप वाले जो बोरेन्स हैं, यहाँ पे जो जितने भी एग्जांपल हैं, ये स्टेबल हैं, और ये जो है स्टेबल नहीं है। इनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई है और इनका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, दोनों जो है अपोजिट होते हैं। सो इसमें आपके कौन कौन से एग्जाम्पल है, सिंपल से है, ये जो नंबर्स आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूला और ये नंबर्स, कि इस एन के जगह कौन कौन से हम जो है नंबर्स लिख सकते हैं जिससे आपका पूरा एग्जांपल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे B4H10 टेट्राबोरेन, पेंटाबोरेन, हेक्साबोरेन, ऑक्टाबोरेन, नैनोबोरेन एंड डेकाबोरेन। ठीक है, इतना जो है आप यहां पे ये एग्जांपल्स हैं बोरेन ऑफ BnHn+6 टाइप के। ठीक है, तो ये जो है दो टाइप्स हैं बोरेन के, हायर बोरेन के। आपको जनरली जो है थ्योरी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हायर टाइप्स ऑफ हायर बोरेन क्या क्या है, तो आप जो है ये एग्जांपल्स ध्यान रख सकते हैं और ये बेसिक पॉइंट। ठीक है, दोनों में एक ही मेन डिफरेंस है कि ये जो है स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होंगे, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो ये है टू टाइप्स। अब हम इसका नोमेन क्लस्टर देखते हैं कि ये जो बोरेन का जो हम यहाँ पे जैसे B10H14 है डेका बोरेन, इसका नोमेन क्लस्टर क्या है। ठीक है, किस प्रकार से इसका नामकरण हो रहा है, तो सिंपल सा है। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेन क्लस्टर, द बोरेन आर नेम्ड एज डाई ट्राई टेट्रा बोरेन्स एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बोरोन। ठीक है, बोरोन एटम फॉलोड बाय न्यूमेरल्स। ठीक है, विच इंडिकेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द बोरेन। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे जैसे ये जो है हमारा ऑक्टाबोरेन है। ठीक है, तो ये जो 8 है, इस ये जितने बोरोन एटम इस कंपाउंड में प्रेजेंट है उसके आधार पर जो है ये नाम होता है। ठीक है, यहाँ पे 8 है तो ऑक्टाबोरेन, ठीक है, यहाँ पे 10 है तो डेकाबोरेन, 6 है तो हेक्सा, 2 है तो डाई, तो ये जो बी है बोरोन है। ठीक है, ये कितना नंबर है, कितना आइटम इसके प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, उसके अनुसार यहाँ पे डाई ट्राई टेट्राई ये सब हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर है, ये जो है कितना हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है इसको इंडिकेट करता है। ठीक है, सिंपल से पॉइंट है। उसके बाद प्रिपरेशन इसका देखते हैं, हायर बोरेन का प्रिपरेशन किस प्रकार से जो है हम प्रिपेयर कर सकते हैं हायर बोरेन। सो हायर बोरेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस फॉलोइंग मेथड्स। पहला है स्टॉक मेथड। ठीक है,
स्टॉक मेथड से कैसे प्राप्त करेंगे? स्टॉक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक केमिस्ट थे, उन्होंने प्रिपेयर किया सभी बोरेन को, बेसिकली इनके मेथड्स के द्वारा जितने भी बोरेन हमने अभी एग्जांपल में देखा बोरेन्स, हम सभी को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं एक्सेप्ट B9S15। ठीक है, ये आपको इसका जो है एक्सेप्शन याद रखना है कि इस बोरेन को इस मेथड के द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते, बाकी सभी बोरेन को प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या किया इन्होंने, बाय द एक्शन ऑफ डायल्यूट HCl H3PO4 on a magnesium boride Mg3B2, this method gave a mixture of various borans. The mixture contained mainly B4H10 and very little B2H6. ठीक है, तो बेसिकली ये जो है मैग्नीशियम बोराइड, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको B4H10 प्राप्त होता है, फिर इसको जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, गर्म करेंगे, तो हमको B2H6 प्राप्त होगा। ठीक है, बेसिकली ये कितने बेसिकली यहाँ पे B4H10, उसके बाद फिर B4H10 से हम B2H6 प्राप्त करेंगे स्टॉक मेथड्स के द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिक सा एग्जांपल आपको देना है और ये जो है पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, ये स्टॉक मेथड है, इससे हम ये बोरेन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड है हमारा वुड्स मेथड। वुड्स मेथड के द्वारा दिस मेथड हैज बीन यूज टू प्रिपेयर B4H10 विच इज ऑप्टेन बाय द एक्शन ऑफ C2H5I ऑन सोडियम अमलगम। ठीक है, सोडियम अमलगम, तो बेसिकली इथाइल आयोडाइड और सोडियम अमलगम को इस मेथड के द्वारा जब दोनों को रिएक्ट करते हैं तो हमको B4H10 प्राप्त होता है। ठीक है, मेन जो है ये हायर बोरेन हमको प्राप्त होता है वुड्स मेथड के द्वारा। ठीक है, सिंपल से है, फ्रॉम डाइबोरेन। ठीक है, जो डाइबोरेन है हायर बोरेन सच B4H10 B5H9 B5H11 एंड B10H14 आर ऑप्टेन बाय हीटिंग B2H6 एट डिफरेंट टेम्परेचर SO। ठीक है, बेसिकली ये जो B2H6 है, ठीक है, डाइबोरेन को हम अलग अलग अगर अलग अलग टेम्परेचर में गर्म करते हैं तो हमको जो है ये अलग अलग बोरेन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये आपको ध्यान रखना है। जब इसको हम डाइबोरेन को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो B10H14 प्राप्त होगा, 115 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको हम हीट करेंगे तो ये B5H11। ठीक है, एंड 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड में डाइबोरेन को गर्म करेंगे तो B2H9 प्राप्त होगा। ठीक है, सिंपल से है, बहुत सिंपल सा है, ये आपको बस जो है ये रिएक्शन याद रखना है, उसके बाद ये थ्योरी आप लिख सकते हैं अपने थ्योरी एग्जाम्स में। ये थ्योरी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएससी एंड एमएससी के थ्योरी एग्जाम्स के लिए, सो उसमें आप ये पॉइंट्स जो है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके लिए ही ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, एंड सिंपल से पॉइंट्स हैं जो आपको इजिली समझ में आ रहे होंगे। तो बाय हीटिंग लोअर बोरेन्स, ठीक है, तो हायर बोरेन्स कैन बी ऑप्टेन बाय हीटिंग लोअर बोरेन्स। ठीक है, जो लोअर बोरेन्स हैं जैसे B4H10 को 95 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करेंगे तो B10H14 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करेंगे तो B5H9, फिर इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा तो B10H16 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो लोअर बोरेन है उससे जो है हमको हायर बोरेन प्राप्त होता है। इसके अलावा B4H10 को 60 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करेंगे तो B5H11, फिर 250 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको फिर से गर्म करेंगे तो B10H14। ठीक है, तो इस प्रकार से लोअर से हायर बोरेन प्राप्त हुआ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं बोरेन्स के, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इंडिविजुअल पूछ लिया जाता है कि जनरल प्रॉपर्टीज बताइए हायर बोरेन के, बोरेन के, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसकी कुछ फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो बोरोन जो होते हैं वोलेटाइल गैसेस होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स तीनों फॉर्म में ये मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया BnHn+4 टाइप जो है स्टेबल होते हैं, लेकिन BnHn+6 टाइप के जो बोरेन होंगे वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ऑल द बोरेन्स ऑफ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, ये दोनों टाइप के जितने भी बोरेन हैं सभी जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनके आउटर सेल में। डिकम्पोजिशन की बात करें तो दे आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ठीक है, गर्म करके इसको डिकम्पोज किया जा सकता है। दिस आर हाइड्रोलाइज बाय वाटर एंड एक्वस एल्किलिस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बोरेन के, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF स्टोर का लिंक मिलेगा, जहां आप यूनिट वाइज सभी BSc एंड MSc लेवल के रिटर्न नोट्स ले सकते हैं, यूनिट वाइज, जिसमें हर यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। सो इफ़ यू फाइंड हेल्पफुल सो प्लीज चेक आउट दैट PDF स्टोर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।